के दिग्गज जिसने नंबर्स पेश किए और बहुत ही दमदार शानदार जानदार तोड़फोड़ बेहतरीन नंबर है, बेहतरीन नंबर है। और ये बेहतरीन नंबर किस लिहाज से दी? पहला, सेल्स आपकी उम्मीद से बेहतर आई है, राइट, रेवेन्यू करेक्ट सर। इबिटा कामकाजी मुनाफा 3600 के बजाय 3800, 200 करोड़ का बीट है इबिटा में, यानी करीबन करीबन आपका 5% से ज्यादा का 6% का बीट है, ठीक है। मार्जिन 26.5 से 28.29 पहुंच रहे हैं, 2.5% मार्जिन बढ़ के आए। मुनाफा में 400 करोड़ का बीट, मतलब 15-17% मुनाफा बढ़कर आना उम्मीद से बहुत बढ़िया है। मजे की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बेसिस पे इसके कल दीप आएंगे अपग्रेड, क्योंकि सन फार्मा एक ही चीज में चलता है, अमेरिका। ये देखिए यूएस फॉर्मुलेशन कारोबार 20% अमेरिका की जो सेल्स इसकी बढ़कर आई है दीप, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट वो है। 482 करोड़ का अनुमान था, लगभग लगभग 517 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया अमेरिका का जो बिजनेस है, और यूएस बिजनेस के बेसिस पे ही सन फार्मा पूरा का पूरा आपका रीरेट होता है। पहले भी इसी वजह से चला है, अभी भी इस वजह से। ल्यूपिन का भी आपको याद है, एक बार ल्यूपिन ने बहुत तगड़ा उछाल दिखाया था सिर्फ इसी के दम पर। ये स्टॉक अमेरिका के प्रदर्शन पे चलते हैं, क्योंकि मार्जिन वहीं से आते हैं, पैसा वहीं पे बनता है। सो अगर यूएस का बिजनेस जो शानदार आया, ये स्टॉक बहुत ही कमाल का है। आइए इस दमदार रिजल्ट पे एक बार जरा राय ली जाए सन फार्मा पे। कुणाल जी जरा चार्ट देखिए, राय फरमाइए। देखिए चार्ट भी बहुत जबरदस्त है, लगातार सन फार्मा पूरे निफ्टी फार्मा इंडेक्स को, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और अब इस पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और इंट्राडे चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम और वॉल्यूम एडिशन है, और मुझे लगता है कि 1880 के आसपास अब एक सपोर्ट कायम हो गया इंट्राडे चार्ट्स पर। 1940 और फिर 1960 ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो 1940 तक तो कोई खास रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं, फिर सीधा 1960 पर रेजिस्टेंस है, तो 1960 मुझे लगता है स्टॉक दोबारा रिक्लेम करेगा, बिल्कुल बने रहने की नई खरीदारी की भी राय। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा, यहां पर आपको रखनी है नजर, अच्छा एक्शन इस पर दिख रहा है। आइए सच